ओके गर्ल्स, आज फैमिली एपीएसी और अम्बिलीफेरी, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आप सभी लोग जानते हैं, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, कॉलेज में रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई और उसकी वजह से मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हुई, तो मैं आप लोगों को स्लाइड्स भी शो नहीं कर पा रही थी। तो ठीक है बच्चों, कि ये आप सभी जानते हैं कि पहले का नाम अम्बिलीफेरी फैमिली था, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था, क्योंकि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बल जैसा है, अम्ब्रेला जैसा है कहना चाहिए, और अम्ब्रेला जैसे जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनको हम अम्बल बोलते हैं। तो जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बल जैसा है, किसी के यहाँ से आवाज आ रही किचन की तो फिर आप उसको साइलेंट कर दीजिए बेटा, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो फिर ये अम्बिलीफेरी फैमिली का नाम रखा गया था क्योंकि इसका इन्फ्लोरेसेंस अम्बल होता था। लेकिन लेटर ऑन जब क्लासिफिकेशन में ये इम्प्रूवमेंट किया गया कि हर फैमिली में उसके नाम के लास्ट में एसी होना इम्पोर्टेंट है, तो इस फैमिली को एपीएसी नाम दिया गया, और क्योंकि उसके लास्ट में ACEAE होना कंपलसरी था तो ये फैमिली एपीएसी हो गई। लेकिन अम्बिलीफेरी इसका नाम जो रखा गया था वो इसके इन्फ्लोरेसेंस के अकॉर्डिंग रखा गया था। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, डायकोटिलेडन्स, पॉलीपटैली, कैलाइसी फ्लोरी, अम्बेलेस एंड अम्बिलीफेरी और एपीएसी। तो ये इस पूरे क्लास का क्लासिफिकेशन, इस फैमिली का क्लासिफिकेशन है इनफैक्ट। तो इसमें कैलाइसी फ्लोरी आप लोग पॉलीपटैली से जानते हैं कि भाई पॉलीपटैली है तो फिर उसमें कोई भी पेटल्स फ्यूज नहीं होंगे। डायकोटिलेडन्स है यानी कि उसमें दो कोटिलेडन्स आपको दिखाई देंगे सीड में। कैलाइसी फ्लोरी है यानी कि इसका जो थैलेमस है, थैलेमस माने जिसके ऊपर पूरे फ्लोरल पार्ट्स जुड़ते हैं, मतलब जो एक डंठल होता है ना स्टेम का, उसके ऊपर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म जैसा बना रहता है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर जुड़ा रहता है। तो उसको यहां पर फ्लैट ना होके वो कप शेप्ड होता है, और ये कप शेप्ड जो थैलेमस है वो कैलाइसी फ्लोरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। दूसरा, इसकी ओवरी जो है इंफीरियर होती है। अभी तक आपने जितने भी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स पढ़े हैं उनमें सभी में ओवरी सुपीरियर थी, लेकिन इसमें ओवरी इंफीरियर होती है। तो इंफीरियर ओवरी क्या होती है कि अगर ओवरी के ऊपर से सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड हों, यानी कि सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, ये सारे जो है ओवरी के ऊपर से निकले हुए होते हैं, तो उस समय पे फ्लावर तो कहता है होता है एपीगाइनस, यानी एपी माने ऊपर, गाइनस मीन्स गाइनीशियम के, तो फ्लावर तो होता है एपीगाइनस और ओवरी हो जाती है इन्फीरियर। तो अम्बिलेल्स क्या है, ऑर्डर अम्बिलेल्स बताता है कि इन्फ्लोरेसेंस इज अम्बिल, सॉलिटरी ओव्यूल इज पेंडुलस, और दो लॉक्यूल्स होते हैं, दोनों लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल होता है जो कि पेंडुलस होता है। फ्यूज्ड कार्पल्स आर एज मैनी एज लॉक्यूल्स, कार्पल्स फ्यूज होते हैं और उतने ही होते हैं जितने की लॉक्यूल्स होता है। कई बार कार्पल्स ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं लॉक्यूल्स के नंबर से, पर यहां पर क्या है, जितने लॉक्यूल्स हैं उतने ही कार्पल्स हैं। और नेक्स्ट फैमिली अम्बिलीफेरी या एपीएसी का जो मेन फीचर है वो है स्टेम इज फिस्टुलर, फिस्टुलर माने उसमें अंदर हॉलो होता है। लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं, एक्सस्टिपुलेट होती हैं, यानी स्टिपुल्स इज एब्सेंट, डिसेक्टेड लीव्स होती हैं, जैसा कि आप धनिया की पत्ती देखते हैं, शीथिंग लीफ बेस, लीफ बेस शीथिंग होता है, यानी कि लीफ बेस उसको स्टेम को फ्लैप की तरह कवर करता है नीचे की साइड पे जहां पर वो जुड़ा रहता है। तो ये आप धनिया के स्टेम में अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि धनिया सभी के यहाँ आता होगा वेजिटेबल्स के साथ। तो कार्पल्स दो होते हैं, फ्यूज होते हैं, दो स्टाइल्स होती हैं जो कि एक सोलेन स्टाइल बेस के ऊपर होती हैं, जिसको कि हम लोग स्टाइलोपोडियम कहते हैं। फ्रूट इसका शाइजोकार्प कहलाता है, और जो जब हम इसको प्रेस करते हैं, वो पिछली फैमिली में मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल में कहीं पे बताया था,
जब हम सीड को प्रेस करते हैं धनिये के, तो फिर वो दो इक्वल मेरिकाप्स में कट जाता है। एक्चुअली हम बार बार धनिये का इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कोरिएंडर का, क्योंकि इस फैमिली का वो सबसे ऐसा मेंबर है कि वो हर किसी के घर में डेली यूज होता है, और जब डेली यूज होता है तो हम उसकी लीव्स भी देख रहे होते हैं, और कई बार मार्केट से आता है तो उसमें फ्लावर भी लगा हुआ होता है, उसके जो है सीड्स भी हम लोग अपने मसाले में यूज करते हैं। तो क्योंकि ये हर समय हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इसलिए मैं बार बार उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन वो हम किसी भी फैमिली में बहुत ही सारे मेंबर्स होते हैं, हजारों की संख्या में मेंबर्स होते हैं, तो हम हर मेंबर को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, पर उसका जो मोस्ट पॉपुलर मेंबर होता है या मोस्ट कॉमन मेंबर होता है जिससे हम लोग रोज टच में आते हैं, तो हम लोग उसको देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस फैमिली के बाकी मेंबर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ऐसा ही हम लोग इस मेंबर के साथ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पॉपुलर मेंबर जो मुझे समझ में आया वो कोरिएंडर है। यहाँ पर कुछ पॉपुलर मेंबर्स मैंने दिए हुए हैं, तो कोरिएंडर इसका मोस्ट पॉपुलर मेंबर, कोरिएंड्रम सटाइवम इसका बोटेनिकल नेम है, अजवाइन, अजवाइन का बोटेनिकल नेम है ट्रैकिस्पर्म। स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन दिख ही नहीं रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके मैं चेक करती हूँ बेटा, एक मिनट। तो ये बेटा थोड़ा पहले बता दे, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा शेयर करना लगता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी कर देती हूँ। अच्छा हाँ, आप देखो मैंने शेयर नहीं किया था, अब कर देती हूँ। एनीवेज हाँ, अब दिखाई दे रहा, देख पा रहे हो ना बच्चों? अब देखो हम लोग फिर स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये देखो ये इसका अम्बैली फेरी और एपीएससी नेम है, ये इसका सारे मैंने कैरेक्टर्स लिखे, जो कुछ मैंने आपको बताया है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे नोट्स आप लोग इनको देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ बनाते रहिए, और मैं जितना किसी भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ अगर आप इतना ही लिख देते हो तो आप उसमें सफिशियंटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये कुछ पॉपुलर मेंबर्स के नेम है, कोरिएंडर कोरिएंडरम सटाइवम, अजवाइन ट्रैकिस्पर्मम एमी, फेनल यानी कि छोटी सौंफ, सौंफ आप लोग देखते होंगे कुछ मोटी वाली सौंफ होती है कुछ छोटी वाली होती है, तो जो छोटी सौंफ होती है उसका ये है फेनिकुलम वल्गेयर, क्यूमिन यानी जीरा, क्यूमिमम साइमिनम, और एनीसीड यानी कि बड़ी सौंफ, पिम्पिनेल पिम्पिनेला एनिसम, कारावे काला जीरा, कैरम कार्वी, कैरेट यानी कि गाजर, डॉकस कैरोटा, ब्राह्मी ब्राह्मी मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो अधिकतर शैम्पूज में या हर्बल शैम्पूज में आपको देखने को मिलेगा। ये ब्राह्मी जो होता है ये बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ब्राह्मी सेंटेला एसियाटिका। तो ये कुछ उसके पॉपुलर मेंबर्स थे, जैसा कि हमने आपको बताते रहते हैं कि इस फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अपने इंडिया में मिलते हैं। तो दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 275 जेनेरा एंड 2800 स्पीशीज, बट इन इंडिया ओनली 53 जेनेरा एंड 200 स्पीशीज आर फाउंड। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स। द प्लांट्स हैव एन एरोमेटिक स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल ऑयल और रेजिन। जैसा कि आज हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर एक स्पेशल एरोमा होती है, और इसके जितने भी मेंबर्स अभी मैंने तुम लोग को नाम बताया, तो आप लोग देखते होंगे कि जब आपकी वेजिटेबल्स में जीरा पड़ा होता है तो उसका एक अलग टेस्ट होता है, उसमें अगर आपने अजवाइन में उसको छौंका है तो उसका अलग टेस्ट होता है, सौंफ है तो उसका अलग टेस्ट है। मतलब हर चीज की एक स्पेशल एरोमा है, उसकी अलग खुशबू है, उसकी जो खुशबू है वो उसके एसेंशियल ऑयल्स और रेजिन्स की वजह से होती है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बच्चों? हेलो,
सो रहे हैं कि ऑन करके? हाँ यस मैम, मैम समझ समझ में आ आ रहा रहा है, है। हम अच्छा अनम्यूट थे। हाँ, चलो ठीक है। जब मैं पूछा करूँ तो थोड़ा सा तुम लोग रेस्पॉन्स दे देते हो, तो उससे मुझे लगता है कि हाँ सब लोग सुन रहे हैं, अदरवाइज लगता है कि सब लोग गए। द मेंबर्स आर मोस्टली प्रोस्ट्रेट हब्स विद हॉलो इंटरनोड्स एंड कैन ओनली अचीव हाइट अप टू 4 मीटर्स। देखिए, किसी भी स्टेम में उसके नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, तो नोड्स इसके सॉलिड आपको दिखाई देंगे, इंटरनोड्स इसके हॉलो दिखाई देंगे, मतलब दो नोड्स के बीच की जो जगह है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। नोड्स मतलब वो गांठें जो स्टेम में पाई जाती हैं। तो आप लोग धनिया की इजीली देख सकते हो, जैसे कि हम बार बार धनिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि वो हमारे डेली फूड का एक ऐसा कंटेंट है कि हम उसके सीड्स भी देख सकते हैं और हम उसके लीव्स भी देख सकते हैं। उसका प्लांट भी जब आता है मार्केट से तो रूटेड आता है, रूट्स भी लगी रहती हैं उसमें। तो बेटा, इसके हम हर पार्ट को स्टडी कर सकते हैं अपने घर में ही, तो इसलिए मैं इसलिए उसका बार बार एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो द लीव्स आर ऑल्टरनेट पिनेंटली कंपाउंड और डी कंपाउंड, द पिट्यूल इज सोलन एंड शीथिंग एट द बेस, स्टिप्यूल्स आर एबसेंट। आप लोग जब इसका देखेंगे लीव्स को, जरा देखिएगा, तो लीव्स का जो वो होता है बीच वाली जो एक रिब होती है जिसके ऊपर सारी लीव्स अरेंज है, वो जहां पिट्यूल से मिलती है तो वहां पर कुछ उसका फ्लैप जैसा स्टेम को कवर अप करता है, उसी को हम लोग कहते हैं शीथिंग एट द बेस। मतलब बेस को शीथ करता है, मतलब उस लीफ का, उस कंपाउंड लीफ का जो बेस है वो स्टेम को ढक लेता है। स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट। अब ये देखिए, आज का ये जो मैंने रेफरेंस लिया है, ये शालू पटेल ने बनाया है। देखिए, मैंने उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अभी शालू है कि नहीं यहाँ पर? शायद शालू ने अभी देखा नहीं मैसेज, अगर देखा होता तो वो जरूर से अटेंड करती। तो ये शालू पटेल ने बनाया है, देखिए कितना खूबसूरत उसने बनाने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा प्रयास है उसका। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उसने कहीं पे ये जो पर्पल कलर से मार्जिन आपको दिखाई दे रही है, हालांकि इसके फ्रूट सॉरी लीव्स सॉरी फ्लावर्स वाइट होते हैं, हल्का सा पर्पलिश टिंज भी होता है किसी किसी जीनस में, किसी किसी स्पीशीज में। और ये जो रेड कलर से उसने डिमार्क किया है, रेड कलर से बनाने की कोशिश की है, ये उसके क्या है, फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये वाइट वाले ये फ्लावर्स जिनकी ब्लू ब्लू मार्जिन है, और ये रेड वाले इसके फ्रूट बनाने की कोशिश की है। अब देखिए कि जितने भी ये फ्लावर्स अरेंज हैं, ये अम्बेल के फॉर्म में यानी छतरी के फॉर्म में अरेंज है। ये अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए तो इनको अम्बेल बोलते हैं। और एक होता है कि ये छोटा अम्बेल, मतलब ये जितना एक बंच है उसको हम कहेंगे कि सिंपल अम्बेल, लेकिन बहुत सारे अम्बेल्स मिलके एक कंपाउंड अम्बेल भी बनाते हैं। इसमें कंपाउंड अम्बेल मिलता है, तो बहुत सारे अम्बल छोटे छोटे मिलकर एक कंपाउंड अम्बल बनाते हैं, और बहुत सारी स्पीशीज में तो काफी बड़े बड़े अम्बल्स बनाते हैं। तो ये उसके ट्विग का डायग्राम है, और इसमें आप देखिए ये दिखाई दे रही है इसकी वेरिगेटेड या कटी फटी टाइप स्लीव। फिर उसके बाद ये आइए, एलिस ऑफ फ्लावर है। ये एलिस ऑफ फ्लावर में आप देख रहे हैं ये क्या है, गाइनेशियम, और गाइनेशियम में ये सेपल्स, और सेपल्स कहाँ से निकल रही है, ओवरी के ऊपर से, यहीं से देखिए ये सब निकल रहे हैं, इसके पेटल्स निकल रहे हैं, और ये इसके स्टैमेंस यानी एंड्रोशियम, और गाइनेशियम नीचे है। ठीक है, सेपल्स ऊपर है एंड गाइनेशियम नीचे है। और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये इसका कप शेप्ड थैलेमस है, यानी कि पूरे फ्लोरल पार्ट्स जहां पर रेस्ट करते हैं उसको हम थैलेमस बोलते हैं। तो अब थैलेमस कप शेप्ड है, और उसके ऊपर यहाँ पर ये आपको सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, स्टिग्मा। ये स्टिग्मा कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो नीचे
इसका कोनिकल बेस होता है, इसको हम कहते हैं स्टाइलोपोडियम. व्हाट वी कॉल इट? स्टाइलोपोडियम. ये मैंने क्लास में भी काफी आप लोग को रटवा रही थी. अब ये देखिए, ये स्टैमेंस डायथिकस स्टैमेंस है और ये लंबा सा इसका फिलामेंट. अब ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, लेकिन शालू ने एक ही फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बनाया है और एक ही फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसमें होना चाहिए प्रॉपरली टू. क्योंकि बेटो बच्चों, ये जब हम देखते हैं तो जो ये छाते जैसा है स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, उसके मार्जिन्स पे जितने फ्लावर्स होंगे वो सारे के सारे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, और जितने सेंटर वाली जगह पर होंगे वो सारे क्या होंगे, कैसे फ्लावर्स बताए थे मैंने क्लास में? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स. हम लोग जानते हैं ना एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक में क्या अंतर होता है. जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं तो उनको हम किसी भी रेडियस से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं उसको हम केवल एक रेडियस से काटने पर ही टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज वो टू इक्वल हाफ नहीं होंगे. तो इसलिए ये डिफरेंस है कि क्योंकि ये जो ये फ्लावर बनाया है शालू ने, ये फ्लावर तो बना दिया है कि जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं, यानी कि उसको ध्यान था, लेकिन यहाँ पर वो बनाना भूल गई कि एक और भी डायग्राम यहाँ पर होना चाहिए जिसमें कि हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दिखाएं और उसमें एक पेटल बड़ा होगा और बाकी चार पेटल्स छोटे होंगे. यहाँ पर ध्यान देने वाले बात बच्चों ये है कि ये जो फ्लावर्स हैं इसमें, ये दोनों ही फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हो चाहे जाइगोमॉर्फिक हो, दोनों ही हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं. हर्माफ्रोडाइट का मतलब है उसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है और कंप्लीट फ्लावर है, उसमें सेपल्स हैं पेटल्स हैं, उसका एंडोशियम है गाइनिशियम है, यानी कंप्लीट फ्लावर है. बस फर्क क्या है कि इसमें सारे पेटल्स इक्वल हैं, और जो दूसरा वाला होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, उसमें एक पेटल बड़ा होता है बाकी सारे पेटल्स छोटे होते हैं. ये देखिए, ये ओवरी, ओवरी का टीएस है, ये इसकी नेक्ट्री, और यहां पर ये देखिए सिंगल ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल. ये बाइलॉक्यूलर है बाइकार्पलरी है, मतलब दो कार्पल्स हैं और दो ही लॉक्यूल्स हैं, और कार्पल्स आर फ्यूज्ड. फ्यूज्ड का मतलब है क्या कहेंगे, कार्पल्स आर फ्यूज्ड, तो दोनों कार्पल्स मिले हुए हैं एक दूसरे से. अब आइए, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर. इनफ्लोरेसेंस इज एन अम्बेल, समटाइम्स हेड और कंपाउंड अम्बेल और सिंपल अम्बेल मे ऑल्सो बी प्रेजेंट. एन इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स, इन्वॉल्यूकर माने होता है फ्लैप लाइक, इन्वॉल्यूकर माने कवर, जो कवर करता है किसी भी बेस को. तो एन इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स सराउंड्स द प्राइमरी अम्बल, प्राइमरी अम्बल के चारों तरफ ब्रैक्ट्स मिलते हैं और जो कि उसको ढके रहते हैं, उसके बेस को ढके रहते हैं. ईच सेकेंडरी अम्बल इज सबटेंडेड बाय एन इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्टलेट्स. जो सेकेंडरी अम्बल होते हैं उनमें इन्वॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स होते हैं जो और छोटे होते हैं, जिनको कि हम ब्रैक्टलेट्स बोलते हैं. द फ्लावर्स आर स्मॉल एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट पेंटामीरस एपिगाइनस. एपिगाइनस अभी हमने पोजीशन दिखाई थी कि गाइनिशियम नीचे है और उसके ऊपर से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं. एपी मीन्स ऊपर, गाइनस मीन्स गाइनिशियम के. कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव इनकॉन्स्पिकुअस टीथ और नैरो सर्कुलर रिज. अच्छा, कैलिक्स इसमें बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, और वो एक रिज के फॉर्म में ही उसको डिनोट करते हैं. तो कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव इनकॉन्स्पिकुअस टीथ लाइक. ओके, तो ये थोड़े से कम डेवलप्ड होते हैं. अब आ जाइए नेक्स्ट, कोरोला इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव पेटल्स पॉलीपेटलस वॉल्वेट एस्टाइवेशन. कोरोला आपने देखा कि फाइव पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस माने फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं सारे पेटल्स,
और वॉल में डेस्टाइबेशन में अरेंज होते हैं। यहाँ पर एक चीज और मेंशन होनी चाहिए थी, शायद मैं वो मेंशन नहीं किया मैंने, पर नेक्स्ट पॉइंट में किया हुआ है कि जो सेंट्रल फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और जो पेरिफेरल फ्लावर्स है वो जाइगोमॉर्फिक है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में उनका एक पेटल काफी बड़ा होता है और चार पेटल छोटे होते हैं। तो इस तरीके से जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जैसा ही होता है, सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो ये कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में सारे के सारे जो उसके पेटल्स हैं, कोरोला है वो एक ही जैसे पेटल से बना होता है, लेकिन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में एक पेटल बड़ा हो जाता है। एंड्रोशियम स्टैमियंस आर 5 पॉलीएंड्रस माने ऑल द एंड्रोशियम यानी ऑल द स्टैमेंस आर फ्री, फिलामेंट्स लॉन्ग, स्लेंडर गोल होता है, डायथिकस होते हैं मीन्स दो चैम्बर्स होते हैं, एंथरलोब्स दो होते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड उनके डॉर्सल सरफेस पे फिक्स होते हैं वो उनके फिलामेंट से, एंड इंट्रोस और अंदर की ओर को घूमे हुए होते हैं। अंदर की ओर को घुमा हुआ किसको फेवर करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को, यानी सेंटर पोजीशन में हमेशा गाइनीशियम होता है, सेंटर पोजीशन में गाइनीशियम है और उसके चारों तरफ सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। और जब ये एंड्रोशियम है सपोज तो ये फिलामेंट की मदद से ऐसे अंदर को घुमा हुआ होता है तो हम उसको कहते हैं इंट्रोज। ओके एंड नाउ गाइनीशियम, गाइनीशियम इज बाइकार्पलरी सिनकार्पस, ओवरी इज इंफीरियर बाइलॉक्यूलर विद वन पेंडुलस ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, स्टाइल्स आर 2, स्टिग्मास आर 2 एंड कैपिटेट, कैपिटेट माने स्टिग्मा के ऊपर फ्लैट पोर्शन होता है उसको कहते हैं कैपिटेट। और डिस्क लाइक स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट बिलो द स्टाइल, स्टाइलोपोडियम इज अ डिस्क लाइक, डिस्क लाइक और कोनिकल स्वेलिंग एट द बेस ऑफ स्टाइल इन फैमिली एपीएसी इज नोन एज स्टाइलोपोडियम। ओके बच्चों, फ्रूट एंड सीड, फ्रूट इज शाइजोकार्पिक डहिसिस इंटू 2, जो शाइजोकार्पिक फ्रूट होता है और आपको पहले भी बताया है कि शाइजोकार्प जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं वो 2 इक्वल मेरिकार्प्स में डिवाइड हो जाता है। मेरिकार्प्स की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, MERICARPS यानी कि आई की जगह पर वाई हो गया है, अटैच्ड विद पेंडुलस सिलेंडर एंड फॉग्ड एक्सिस, फॉर्क्ड एक्सिस माने एक्सिस जो है दो में बाइफर्केटेड होती है, जो कि हमने अभी हमने देखा कि जो उसकी ओवरी थी उसके ऊपर दो ऐसे बाइफर्केटेड स्टाइल दिखाई दे रही थी। द मेरिकार्प्स आर वेरियसली मार्क्ड विद रिब्स ग्रूव्स एंड ब्रिसल्स, धनिये के ऊपर आपको लगता है कि धनिये का जब सीड देखते हैं उसके ऊपर ऐसे धारी धारी बनी रहती है, तो जो फ्रूट है ना वही तो मेरिकार्प है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस आपको रिब्स बनी हुई दिखाई दे रही होती है। तो इट इज वेरियसली मार्क्ड बाय रिब्स ग्रूव्स एंड ब्रिसल्स, और जो उसका एक एंड होता है एक तरफ तो उसके डंठल लगने की जगह होती है, दूसरी टाइप जो है साइड जो है उसमें ब्रिसल्स आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से ब्रिसल्स दिखाई देते हैं मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स एज द एज अ मैसिव कोनिकल डिस्क इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्टाइल्स, जो है ये डिस्पर्सल ऑफ पॉलिनेशन है ये इंसेक्ट्स के द्वारा होता है क्योंकि एक मैसिव कोनिकल डिस्क होती है जो कि उसके बेस स्टाइल के बेस पर लगी रहती है। ये देखिए ये इसका स्टाइलोपोडियम देखिए, ये बाइफर्केटेड उसकी ब्रिसल्स जो कि रिमेन्स ऑफ दैट सॉरी स्टाइल, रिमेन्स ऑफ स्टाइल, और ये उसका फ्रूट
क्योंकि ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट और ये स्टाइल ऐसी दिखाई देती है यहाँ पर सूख के ब्रिसल्स जैसी। ये फ्लावर का डायग्राम देखिए कितना क्लियर है, ये इसकी ओवरी है उसमें ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं। फिर ये देखिए ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर नीचे से देखिए गहरा ये चीज, ये इसका थैलेमस है, इसके थैलेमस के पास यहाँ पर इसके ये ओवरी है, बाइलोक्यूलर ओवरी बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। ये देखिए स्टैमेंस स्टिग्मा स्टाइल स्टाइलोपोडियम द सॉलिड बेस ऑफ दिस स्टाइल इज नोन एज स्टाइलोपोडियम, कप शेप्ड थैलेमस इज प्रेजेंट और उसके अंदर क्या होगी ओवरी, ओवरी का टीएस काटेंगे तो हमें इस तरह का दिखाई देता है। ये इसकी एक्सेस, ये इसके ओव्यूल, ओव्यूल के बाद ये जो ओवरी वॉल जो मतलब इनफोल्डिंग ऑफ ओवरी वॉल इज नोन एज स्कार्पल, उसके अंदर जो चैम्बर बना होता है वो लॉक्यूल, तो लॉक्यूल भी एक है, दो है और एक लॉक्यूल में एक ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये आप देख रहे हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन क्लियरली विजिबल है। फिर ये आप देखिए ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, काफी अच्छा बनाया है उसने, काफी बैलेंस बनाया है। तो बच्चों आप लोग भी ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट ये देखिए सेंट्रल फ्लावर का ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है कुछ ऐसा होता है, ब्रैक्टिएट एक्टिनोमोर्फिक हर्माफ्रोडाइट के फाइव फ्यूज्ड, के फाइव मैंने सेपल फाइव फ्यूज्ड कोरोला फाइव, कोरोला इज फ्री क्योंकि ये तो पॉलीपेटालस का मेंबर है, पॉलीपेटाली का मेंबर है इसलिए इसमें पॉलीपेटालस होंगे जितने भी पेटल्स होंगे, एंड्रोशियम फाइव गाइनीशियम टू एंड ओवरी इज इंफीरियर एंड बोथ द लॉक्यूल्स आर फ्यूज्ड, ब्रैकेट का मतलब होता है फ्यूज्ड। और ये देखिए पेरिफेरल फ्लावर का कैसा होगा, ब्रैक्टिएट जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट के फाइव फ्यूज्ड यानी गैमोसेपलस, फिर उसके बाद ये देखिए सी फाइव, सी फाइव का मतलब कोरोला फाइव, फिर उसके बाद एंड्रोशियम फाइव यानी स्टैमिन्स फाइव, ओवरी इज इंफीरियर एंड टू लॉक्यूल्स आर प्रेजेंट और बोथ द लॉक्यूल्स आर फ्यूज्ड। ओके ये देखिए एक बार फिर से देखो बच्चों ये फ्लोरल डायग्राम्स, ये देखिए मैं उसमें डायग्राम में दिखा रहे थे ना कि इस तरीके के होते हैं इसके पेटल्स, थोड़ा सा बीच से दबे हुए, ये एक पेटल दो तीन चार पांच, ये जो पांचों पेटल्स हैं ये आप क्या देख रहे हैं फ्री है और इक्वल है एक जैसे हैं, पर ये जो पेरिफेरल फ्लावर है इसमें ये एक पेटल काफी बड़ा हो जाता है। और ये देखिए यहां पर भी ध्यान दीजिए, हम लोग मदर एक्सिस को मोस्टली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर हम ये एक्टिनोमॉर्फिक जैसा सिंबल यहां पर बनाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में, तो जाइगोमॉर्फिक में इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है। ओके हमें इसके जो सिंबल्स हैं पूरी की पूरी टैक्सोनॉमी उसके सिंबल्स पे उसके आइकन्स पे डिपेंडेंट है, तो बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे सिंबल्स ये छोटे छोटे आइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है पूरा टैक्सोनॉमी। और ये भी चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि टैक्सोनॉमी इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, अगर आपने उसको फ्लोरल फॉर्मूला सही लिखा है फ्लोरल डायग्राम सही बनाया है तो नो वन कैन माइनस योर मार्क्स, आप उसमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। जैसे आप सम्स अच्छे से लिखते हैं पूरा प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, और इसमें भी अगर आपने सारी चीजें बहुत ही क्लियरली बनाई हैं तो इसमें भी फुल मार्क्स। सॉरी आज मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ एक्चुअली कल के एग्जाम की वजह से और आज दोबारा से रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ी। ओके थैंक यू बच्चों, कौन कौन प्रेजेंट है जरा सी अपनी शक्ल है दिखा दो भाई हमको, देखें जरा
ओपन योर कैमरा। और कौन कौन है भाई? मेरे गिने चुने बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। नाइन बच्चे तो हैं पर यहां पर कमी दिख रहे हैं। चलो भाई मैम, बाकी लोगों ने ओ तब कर लिया होगा, कॉलेज में आके अटेंड कर लिया। हाँ, आज कॉलेज में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे लेकिन मेरा वहां पे वो हो नहीं पाया ना रिकॉर्डिंग बेटा। वो आज मेरा लैपटॉप ही गड़बड़ कर रहा था। चलो ठीक है, ये अब रिकॉर्डेड हो गया है और मैं अभी इसको अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग देख भी लेना, उसमें कमेंट भी कर देना। और ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब जब वीडियोस डालूंगी आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय बाय, मैम बाय, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। बस तुम लोग अच्छा सा एग्जाम करो। हाँ एक चीज और, जिन बच्चों ने अपना टॉपिक अभी तक नहीं लिखवाया है वो कल लिखवा दीजिएगा पक्के से। ओके सब, आज अपना टॉपिक फाइनल करो। अब बस 3 दिन है अपने पास, और 5th को अपना कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन, उसके लिए टॉपिक्स लिखवाने हैं आप लोग को। आज ही फाइनल कर लीजिए और कल आके लिखवाइएगा। ओके बाय ओके बाय मैम, मैं तो बाय। लिखवा और दूंगी। इसके ओके लिए हम मैम, लोग ने 5 मार्क्स रखे हैं। आप लोग अगर वहां पे कैसा प्रेजेंटेशन देते हो तो हम लोग उसके 5 मार्क्स में से आपको मार्क्स देंगे, चाहे आपको प्राइज मिले या ना मिले, आप लोग को 5 में से उसमें मार्क्स मिल रहे होंगे। ओके बच्चों, ओके बाय बाय बाय।